मेधावी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए सक्षम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए गए। मकसद था मेधावी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। आज हमारे यहाँ शिक्षा विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम है सक्षम योजना, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्वालिटी एजुकेशन बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इनको 3 वर्ष हो गए हैं और इन 3 वर्षों में जिन अध्यापकों ने अच्छा काम किया, चाहे वो सक्षम था, चाहे बाद में सक्षम प्लस हुआ और सक्षम 2.0 इसको भी शुरू कर दिया है, PC से लेकर के और 7वीं तक के बच्चे एक एक सब्जेक्ट को आगे बढ़ते हुए पढ़ते हुए बच्चे का एनहांसमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहेंगे तो इस नाते से जो सफलता मिली है बहुत उत्साह से आया है। सब अध्यापकों को जो इस काम में लगे थे उनको सरकार से उनका सिलेक्शन करके और उनको आज सम्मानित किया गया है और इस कार्यक्रम को और आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए भी कई योजनाएं जो पार्टी ने बनाई हैं। समारोह में CM मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन सर्विस बुक, सक्षम समीक्षा ऐप, सक्षम छात्रवृत्ति, सक्षम अध्यापक ऐप, सक्षम डिस्ट्रिक्ट स्कोर कार्ड लॉन्च किया। आज के अवसर पर पंचकुला से लगभग 9,850 विद्यालय एजुसेट के माध्यम से वहाँ के विद्यार्थी और वहाँ के अध्यापक इससे जुड़े हुए थे और शिक्षा के नाते से हम शिक्षा का अच्छे सुधार करें, शिक्षा को किस प्रकार से नए नए आयाम उठा करें ऐसी योजना चाहिए। गरीब मेधावी छात्र पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ये पहल मेधावी छात्रों का करियर संवारने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।